दोस्तों रिसेंटली सुजुकी अपनी 100th एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए जिक्सर एसएफ 250 की एनिवर्सरी एडिशन को अब लॉन्च कर दिया है। आज हम इसकी एक फुल वॉकडाउन रिव्यू करने वाले हैं। इस BS6 वेरिएंट में अब क्या क्या चेंजेस हुई है, इसकी फुल स्पेसिफिकेशन कैसी है, इसकी माइलेज, प्राइस, कौन कौन से कलर पे ये अवेलेबल है, सब आपको बताएंगे। पर वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें और ऐसे वीडियो फ्यूचर में सबसे पहले देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विश्वजीत और आप देख रहे हो मोटोमैड। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों कुछ ही दिनों पहले सुजुकी ने जिक्सर एसएफ 250 की 100th एनिवर्सरी एडिशन को इंडिया में लॉन्च किया है। जैसे कि आप देख सकते हो एसएफ 250 अब बिल्कुल ही एक नई पेंट स्कीम के साथ आ चुकी है। इस नए अवतार में ये बाइक पहले से भी ज्यादा स्पोर्टी और एग्रेसिव लग रही है। इस बाइक की जो पेंट स्कीम है वो इस साल की MotoGP मशीन से इंस्पायर्ड है, इसलिए ये बाइक देखने में इतनी रेसिंग फ्रेंडली लग रही है। इसके ओवरऑल डिजाइन स्कीम को सुजुकी ने अनचेंज्ड रखा है, सिर्फ इसके कलर और बॉडी ग्राफिक्स में आपको बदलाव दिखेगा। पहले की तरह ही इसमें यूरोपियन डिजाइन ट्रेंड को फॉलो करते हुए ट्रापीजॉइडल बॉडी पोर्शन को मेंटेन किया गया है। टैंक के ऊपर अब आपको क्रोम के बदले ग्लॉसी रेड कलर में सुजुकी की एम्ब्लेम देखने को मिलेगा। इसकी फेयरिंग के ऊपर अब जिक्सर एसएफ की ब्रांडिंग के साथ बड़े बड़े अक्षरों में सुजुकी लिखा हुआ है, उसके साथ इसमें एक स्टार की ब्रांडिंग भी है। इसमें सिल्वर कलर की रियर पैनल के साथ कॉन्ट्रास्टिंग मेटालिक ब्लू में 250 की लोगो और उसके साथ स्पोर्टी लुकिंग स्प्लिटेड ग्रैबलेल दिया गया है। सुजुकी इस बाइक पे मेटालिक सिल्वर और ब्लू कलर की ब्यूटीफुल डुअल टोन कॉम्बिनेशन प्रोवाइड किया है। सामने से देखे तो इसकी फॉरवर्ड लीडिंग रेसिंग स्टाइल फ्रंट वाइजर के ऊपर ब्लू कलर यूज हुआ है। हेडलाइट के दोनों तरफ आपको सुजुकी एक्स्टर की ब्रांडिंग देखने को मिलता है। इसमें फुल LED हेडलैम्प सेटअप दिया गया है जो इस बाइक पे एक एग्रेसिव स्पोर्टी लुक प्रोवाइड कर रही है। इसकी ब्राइटनेस भी काफी अच्छी है, आपको नाइट टाइम में राइड करते समय किसी भी तरह की दिक्कत नहीं होगा। पीछे आपको जिक्सर की सिग्नेचर LED टेल लैंप मिल जाएगा। इसकी हाईली इल्यूमिनेटेड टेल लैंप बाइक पे एक बोल्ड रोड अपीयरेंस प्रोवाइड कर रही है। इस बाइक की स्पोर्टी प्रीमियम लुक को और भी एनहांस करने के लिए इसमें डुअल पोर्ट माफलर कवर दिया गया है। दोस्तों मुझे SF की ये न्यू कलर वेरिएंट बाकी कलर ऑप्शन से ज्यादा पसंद आया है। आपको ये कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर बताना। इसमें आपको एक वेल कुशन स्प्लिटेड सीट लगा हुआ मिलता है जो इस बाइक की स्पोर्टी कैरेक्टरिस्टिक को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया गया है। इसमें राइडर और पिलियन दोनों के लिए ही सफिशियंट स्पेस है, यानी कि आप पिलियन के साथ कंफर्टेबली लॉन्ग राइड्स भी कर पाओगे। इसकी सीट हाइट है 800 mm। मेरे हिसाब से ये बाइक एवरेज और टॉलर राइडर्स के लिए ज्यादा कम्फर्टेबल है। इसमें आपको क्लिप ऑन टाइप हैंडल बार मिलता है जो बाइक के ऊपर फैंटास्टिक कंट्रोल देती है। इसमें आपको एग्रेसिव सीटिंग स्टांस मिल जाएगा, पर ये R15 या फिर KTM RC बाइक्स की तरह उतनी एग्रेसिव भी नहीं है। इंस्ट्रूमेंट कंसोल को देखे तो इसमें एक फीचर लोडेड फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल लगा हुआ है जिसमें आपको लगभग सभी फीचर्स मिल जाता है। इसकी स्विच गियर्स क्वालिटी बहुत अच्छी है। इसमें आपको इलेक्ट्रिक स्टार्ट, इंजन किल स्विच के साथ पास लाइट, हाई बीम लो बीम स्विच मिल जाएगा। चलिए अब असली मुद्दे पे आते हैं, इंजन। इसमें 249cc की 4-स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर ऑयल कूल्ड BS6 कॉम्प्लायंट सुजुकी पेटेंटेड ACP इंजन लगा हुआ है। इस इंजन की पॉल्यूशन पुरानी BS4 वाला इंजन से लगभग 50% कम होगी। इसमें आपको SOCS यानी कि सुजुकी ऑयल कूलिंग सिस्टम मिलता है। जैसे कि आप सब जानते हो सुजुकी पहली बाइक मैन्युफैक्चरर है जिसने बाइक पे ये टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करना शुरू किया था। इस इंजन की अब मैक्सिमम पावर है 26.5 PS और मैक्सिमम टॉर्क 22 Nm। इसकी मैक्सिमम पावर डोमिनर से 0.5 PS और मैक्सिमम टॉर्क 1.5 Nm कम है, पर FZ से इसकी मैक्सिमम पावर 5.7 PS और मैक्सिमम टॉर्क 1.9 Nm ज्यादा है। इसमें आपको 6-स्पीड गियरबॉक्स मिलता है। इस इंजन पे सुजुकी पेटेंटेड ACP टेक्नोलॉजी दिया गया है जो इसकी फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम के मदद से एफिशिएंट फ्यूल कंबशन करवाती है, जिससे इंजन की पावर आउटपुट और माइलेज दोनों ही कमाल की होती है। इसकी टॉप स्पीड है अराउंड 150 km/h। इसके सामने 41 mm की चांकी टेलीस्कोपिक फोर्क और पीछे स्विंग आर्म टाइप सस्पेंशन लगा हुआ है। इसमें 17 इंच की अलॉय व्हील दिया गया है। इसके सामने 100x70 और पीछे 150x60 सेक्शन की ट्यूबलेस रेडियल टायर लगा हुआ है। जैसे कि आप सब जानते हो रेडियल टायर की हाई स्पीड में परफॉर्मेंस नॉर्मल टायर से बेटर होती है। इसमें आपको डुअल डिस्क ब्रेक के साथ डुअल चैनल ABS मिलता है, यानी कि इसकी ABS सामने और पीछे दोनों व्हील्स पे ही ऑपरेशनल है। इसके सामने 300 mm की डिस्क ब्रेक लगा हुआ है। इसके व्हील बेस है 1345 mm और ग्राउंड क्लियरेंस 165 mm। इंडियन रोड कंडीशन के हिसाब से इसकी ग्राउंड क्लियरेंस ठीक ठाक है।
इसके कार्बो वेट है 161 kg। इसमें आपको 12 लीटर की फ्यूल टैंक मिलेगा। और माइलेज की बात करें तो एवरेज राइडिंग कंडीशन पे आपको इससे 30 से 35 के बीच माइलेज आसानी से मिल जाएगा। दोस्तों जिक्सर SF250 के इस कलर वेरिएंट के अलावा और दो कलर ऑप्शन है, मैट ब्लैक और ट्राइटन ब्लू। सुजुकी जिक्सर SF BS6 मॉडल की कोलकाता में ऑन रोड प्राइस है अप्रोक्सीमेटली 2,11,000 रुपीज। दोस्तों आपको जिक्सर SF250 की ये नया अवतार कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर बताना। और हाँ, ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगे तो उसको लाइक करो, और ऐसे वीडियो फ्यूचर में सबसे पहले देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलो। नमस्कार दोस्तों, आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय एंड राइट सेफ।